हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेशन टर्म्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास 20 ml of 0.5 m HCl solution. HCl is mixed with 30 ml of 0.3 m HCl. Molarity दे रखी है, ठीक है? The molarity of the resulting solution is. तो resulting solution की molarity क्या होती है? तो resulting solution की अगर molarity निकालनी हो, तो यहाँ पे देख लेना, एक नया formula आएगा। Important है काफी। ये थोड़ा अलग formula है। तो let there will be देयर बी थ्री सैंपल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सपोज हमारे पास तीन सैंपल है सॉल्यूशन के, जिनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, बिल्कुल सेम। अगर आपको बोला जाए बताओ रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होएगा, तो फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम प्लस थर्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है MR और सभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम का सम। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम्स में आते हैं कभी भी। रिजल्टिंग मोलैरिटी अगर दो सैंपल है तो M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा, 3 है तो 3 एंड 4 है तो 4। तो यहाँ पे MR जो है रिजल्टिंग मोलैरिटी, MR इज रिजल्टिंग मोलैरिटी। इस क्वेश्चन में देखो यही पूछा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, इंपॉर्टेंट है इसे नोट करके याद रखना। इस क्वेश्चन में बोला था कि 20 ml ऑफ 0.5 सॉल्यूशन ऑफ HCl इज मिक्स्ड विद, देखो गिवन क्या क्या है हमें, HCl जिसका वॉल्यूम दे रखा है 20 ml एंड मोलैरिटी 0.5 m, सेकंड वॉल्यूम इज 30 ml एंड m2 इज इक्वल टू 0.3 m। बोला था रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगा, MR हमें पता है। देखो अभी भी हमने फॉर्मूला करा है, वी नो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MR V1 प्लस V2। हमें फाइंड आउट करना है MR रिजल्टिंग मोलैरिटी कितना होगा। तो MR कैसे निकालोगे, सारी वैल्यू हमें गिवन है तो करते हैं। M1 कितना है देख लो, M1 है 0.5, V1 इज 20 प्लस M2 0.3, V2 30 इज इक्वल टू MR V1 प्लस V2 दोनों वॉल्यूम का सम 20 प्लस 30। तो यहां पे दो कंपोनेंट्स थे इसलिए M1 V1 M2 V2 है, थ्री कंपोनेंट्स के लिए ये हो जाएगा एंड फोर के लिए आप लिख ही लोगे खुद। तो सॉल्व करते हैं, पॉइंट आया 10, 0 से 0 कट, 5 2 जा 10 प्लस, पॉइंट आया 10, 0 से 0 कट, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू MR 50, 20 प्लस 30 50। रिजल्टिंग मोलैरिटी 10 और 9 19 अपॉन 50, तो 5 के टेबल से 19 को अगर मैं कट करूं 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 14, नीचे आया 10, then answer is 0.38 m. resulting molarity is option number C, 0.3 m. तो कभी भी resulting molarity अगर आपसे पूछा जाए तो ये formula ये बहुत ज्यादा important है, exam में आता है। और dilution वाला भी हमने पढ़ा है, M1 V1 is equal to M2 V2, ये होता है आपका resulting वाला, इसे note कर लो। अब हम आते हैं next question पे। सेकेंड क्वेश्चन है,
The molarity of a solution obtained by the mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be. तो बोला देखो molarity of the solution obtained by the mixing. तो molarity निकालना है solution का, ठीक है, mixing solution का. कितना कितना आपको given है? बोला जब volume 750 हो, उसकी molarity है 0.5, ठीक है, विद वॉल्यूम 250, मोलैरिटी इज 2 m. तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, इस बार डायरेक्ट नहीं बोला कि रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालो, इस बार बोला देखो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग. दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मतलब जो रिजल्टिंग मीन्स जो टोटल मोलैरिटी है वो हमें निकालना है. m r, अगेन सेम न्यूमेरिकल है, सेम प्रॉब्लम, और हमें फॉर्मूला पता है, वी नो M1V1 plus M2V2 is equal to MRV1 plus V2. M1 is 750, M1 0.5, V1 750 plus M2 is 2 and V2 250. इज इक्वल टू MR, हमें फाइंड आउट करना है V1 प्लस V2, 750 प्लस 250. अब इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट. अभी तो देखो पॉइंट हटाया, 10, 0 से 0 कट, 5 जा 25, 2 5 3 7 जा 35, 375 ये आया, 375 प्लस 2 को करेंगे तो 500 इज इक्वल टू एम आर, यह आया 1000. तो 500 प्लस 375 ये हो गया 875 इज इक्वल टू एम आर 1000. तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके ये आ रहा है, एम आर इज इक्वल टू 875 अपॉन 1000. तो आंसर इज 0.875 m. रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की वार इज 0.875, देन ऑप्शन इज सी इज करेक्ट. तो दिख रहा है हमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 0.875. तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही थे, बट जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन की वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट. इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट बोला है डेंसिटी ऑफ 2.05 molarity solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of solution. Question में हमें given क्या है? हमें molarity दे रखा है, ये रहा. और molality find out करना है. Molarity दे रखा है, molality find out करना है. तो given क्या है पहले देखो. हमें molarity दे रखा है 2.05 कैपिटल एम, और हमें फाइंड करना है मोलैलिटी स्मॉल एम. और साथ के साथ क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, कितना है 1.02 ग्राम एम एल इनवर्स. और सॉल्यूट है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड इसका मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास फॉर्मूला था CH3COOH, इसका मोलर मास निकालोगे तो ये आएगा 60 ग्राम पर मोल. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मोलैलिटी. मोलैलिटी के लिए चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट kg. तो हमें फर्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, मोलैरिटी से हम पहले सॉल्यूट का मास निकालेंगे, डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करके सॉल्वेंट आ जाएगा. दोबारा सुनना, मोलैलिटी से हम सॉल्यूट का मास कैसे, देखो हमें पता है जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर. ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है. अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, मोलैरिटी एम
नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास अपॉन मोलर मास, और किसका है सॉल्यूट का, एसिटिक एसिड का, सॉल्यूट का, और अपॉन वॉल्यूम, तो चल ही रहा है अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब यहाँ पे सही से देखना, देखो मोलारिटी हमें दे रखा है, ये रहा 2.05, यहाँ पे लिखते हैं लाइन डाल के 2.05 मास सॉल्यूट मोलर मास 60 होता है, एसिडिक एसिड अभी निकाला है। अब बताओ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना है, कभी भी अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय 3 m, तो इट मींस 3 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर इन सॉल्यूशन। तो अगर हमें बोला है कि मोलारिटी 2.05 है, इसका मतलब क्या है कि 2.05 मोल प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम क्या हो गया, पर लीटर मींस 1 लीटर, तो वॉल्यूम क्या है 1। ये मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कराया हुआ है ऐसा टॉपिक में भी, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 1। याद रखना 2.05 m का मतलब होता है, 2.05 m का मतलब होता है कि 2.05 मोल प्रेजेंट है पर लीटर में, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1 लीटर। तो मास यहां से कितना आ जाएगा 2.05 इंटू में 60, पॉइंट आया 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 अपॉन 10, यह रहा 123 ग्राम, यह रहा मास किसका सॉल्यूट का। अभी हमें हमारे पास आया है सॉल्यूट का मास, बट हमें चाहिए सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्वेंट का डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अभी सॉल्यूशन का निकालेंगे फिर माइनस करके सॉल्वेंट का निकलेगा, सॉल्यूट का आ गया। अब देखो हमें पता है डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी क्योंकि गिवन भी हमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.02, ये रहा डेंसिटी कितनी है 1.02, तो मास बराबर डेंसिटी है 1.02, तो बताओ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1 लीटर का, एमएल में कितना हो जाएगा 1000, तो ये सॉल्व करके आया 1020 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन ये रहा 1020 ग्राम एंड सॉल्यूट इज ये रहा 123, ये आ गया 897, 20 देखो 100 गया तो 900, 897 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करें तो 0.897 केजी, ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया 0.98897 केजी। अब सॉल्वेंट का मास आ गया, हम मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो मोलालिटी होता है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये रहे देखो मोल्स, 2.05 m का मतलब क्या होता है, 2.05 m का मींस मतलब है कि 2.05 मोल प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मोल ही होते हैं 2.05, और सॉल्वेंट का मास केजी में हमने ये फाइंड आउट करा है 0.897, दोनों के पॉइंट हटाए 2050 या 897, तो देखो 8 के टेबल में 20 कितने पे जाता है, 8 2 जा 16, तो 2 पॉइंट जो भी आंसर है 2 से, तो ऑप्शन इज
सी 2.28 मोलालिटी, तो मोलालिटी कितनी आई है 2.28। दोबारा देख लेना, हमें क्वेश्चन में मोलालिटी दे रखा था और हमें फाइंड करना था मोलालिटी। मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में। पहले हमने सॉल्यूट का मास निकाला मोलालिटी फॉर्मूले से, फिर डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकाला, ठीक है। फिर सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो, जो भी मास आए केजी में कन्वर्ट एंड देन पुट कर दिया। यहाँ पे जो मोलालिटी आ रही है वो हमारी आ रही है 2.28 मोल केजी इनवर्स, 2.28 स्मॉल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2.03 एम सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज है। देखो डेंसिटी ऑफ मोलालिटी कितना दे रखा है 2.3 एम, एसिटिक एसिड इसका मोलर मास 60 होता है, अभी पीछे ही कर रहे हैं, ठीक है। उसकी डेंसिटी कितनी है 1.017 ग्राम ml इनवर्स। कैलकुलेट मोलालिटी, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम है। देखो सारी वैल्यू की बन है सर, मोलालिटी यहाँ पे 2.05 थी, 2.03 डेंसिटी भी दे रखा है। पहले क्या करोगे आप, सॉल्यूट का मास, फिर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से सॉल्यूशन का मास, फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे कैसे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, उसको केजी में कन्वर्ट करके वही पुट कर देना, सेम एज इट इज है बिल्कुल, बस वैल्यू चेंज है, ये 2.03 है और डेंसिटी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। वो होमवर्क में करना है अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है ये होमवर्क है। और इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट वाले का आंसर जो होता है 2.28 है, इसका आएगा 2.26। होमवर्क में ट्राई करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाउ मेनी Na पॉजिटिव आयंस, हाउ मेनी Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हाउ मेनी Na प्लस आयंस। हमें निकालना है n, निकालना है मीन्स नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस सबको किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से। और गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml जो कि लीटर में हो जाएगा 50/1000 0.05 लीटर, एंड मोलालिटी इज 0.5 m। हमें देखो n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आयंस, और फॉर्मूला जो होता है मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं, n इज इक्वल टू n अपॉन Na। ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस एटम्स, तो n बराबर हो जाएगा n इंटू में Na, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलालिटी से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलालिटी बराबर जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोलालिटी कितना दे रखा है 0.5 m का मतलब क्या है कि 0.5 मोल प्रेजेंट है पर लीटर में, 0.5 मोल प्रेजेंट है पर लीटर में, वॉल्यूम कितना हो गया पर लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिख दिया n, तो n इज इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम गिवन है इतने के लिए निकालना है, ठीक है। n अपॉन वॉल्यूम कितना है 50 ml जो कि कितना आ रहा है 0.05। अगर वॉल्यूम हमें ये मोलालिटी है वॉल्यूम अगर गिवन नहीं होता तो पर लीटर के लिए हम n की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1 वॉल्यूम पुट करते हैं, ठीक है 1 वॉल्यूम करते हैं, तो n बराबर आ रहा है 0.5 इंटू में 0.05, पॉइंट हटाया 1, 2, 3, 5, 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 तो आया 0.025 मोल, तो कितना आ रहा है 0.025। याद रखना वॉल्यूम हमें दे रखा है इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम गिवन नहीं होता तो 0.5 m का मतलब होता है 0.5 मोल प्रेजेंट पर लीटर, उस केस में वॉल्यूम 1 डालते हैं, तो ये आ गया मोल्स, मोल की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं
0.025, n ने होता 6.022 10 के पावर 23। अब वो गया रोज नंबर पॉइंटेड आया, सॉल्व कर रहे हैं ठीक है। पॉइंटेड आया 1, 2, 3। देखो एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, ये 22 हो गया। 25 के टेबल पे 25 के टेबल पे ये गया 4, तो यार 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन 4। इसको और सिंपली करें तो देखो पॉइंट हटा लेता अभी 1, 2, 3, 4 1 4, 2 4 5 20, 0 2, ये आ रहा है कितना आ रहा है, मैंने क्या कर दिया एक मिनट, 6022, 4 1 4, 2 ये आ गया 0, 4 5 20, ठीक है कितना आया 2, 0 2, 4 5 20, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 1 5, और भी आगे सॉल्व करेगा 0.04520, 1505.5 इंटू 10 के पावर 23 और अपॉन कितना है अभी 1000, तो ये आ रहा है 22, एक पावर कट गई थी, तो ये आ रहा है हमारे पास सॉल्व करके कितना 1.5055 इंटू 10 के पावर 22 आयंस। किसके आयंस? एन पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ये सिर्फ सॉल्व करा है हमने, किससे 0.25 से मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर इतना ही आएगा 1.505 इंटू 10 के पावर 22 आयंस ऑफ एन पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या फाइंड आउट करा, पहले हमने निकाला मोल्स, मोल्स को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन है, बोला 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। तो 18 ग्राम ग्लूकोज है कितने सॉल्वेंट में, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, ठीक है। और ग्लूकोज इसका मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज C6H12O6 मोलर मास होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल इसको 1 मोलर बोलेंगे, 0.1 मोलर बोलेंगे, मोलर बोलेंगे या 0.1 मोलर। अब देखो सॉल्वेंट का मास दे रखा है तो ये मोलालिटी है। अब कितनी मोलालिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे आ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। अब देखो लो गिवन मास कितना है 18 ग्राम ग्लूकोज है, मोलर मास 180 और सॉल्वेंट का मास 1 kg में कितना है 1 kg, तो कितना आया कट के 1/10 m, तो ये आया 0.1 m। तो इसका मतलब क्या है 0.1 मोलल, मोलल होता है मोलालिटी और मोलर होता है मोलालिटी, हमारा आ रहा है 0.1 मोलालिटी, ठीक है। मोलल मीन्स होता है मोलालिटी और मोलर होता है मोलालिटी, हमारा क्या आ रहा है मोल, मोलल मीन्स मोलालिटी और आंसर क्या है 0.1 मोलालिटी। इजी क्वेश्चन था ये काफी, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मोलर सॉल्यूशन मींस 1 mole ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, देखो मोलर कभी भी मोलर लिखा होता है मोलर, इट मींस
मोलैरिटी है। अगर यहीं पे मोल लल होता तो उसका मतलब होता है मोलैलिटी। मोलर सॉल्यूशन मींस वन मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोलैरिटी बोलती क्या है कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोल लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी, वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनकरेक्ट, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इनकरेक्ट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ NaCl in 500 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन एंड हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 0.936 ग्राम इज। तो मोलैरिटी निकाल लिया मैं, 50 ग्राम ऑफ गिवन मास कितना है 50 ग्राम NaCl की, तो मोलर मास NaCl का कितना हो जाएगा 58.5 होता है ग्राम पर मोल। 23 इसका, 35.5 इसका, ठीक है। इसके लिए क्या निकालना है सॉरी मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना है तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो हमारा निकल जाएगा सेम NaCl सॉल्यूशन इसका मास कितना है 500 ग्राम और डेंसिटी कितना है 0.936 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है यहाँ से वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। तो देख लो वॉल्यूम, वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास कितना है, कितना है ये मास है 500 वॉल्यूम। मोलैरिटी में जो देखो ये जो वॉल्यूम होता है किसमें होता है मोलैरिटी वाला, किसमें निकालना होता है हमें लीटर, किसमें लीटर में निकालना होता है। तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी की वैल्यू बताओ कहाँ है, ये रही डेंसिटी है 0.936। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 अपॉन 0.936, ये क्या है ml में, ये ग्राम ग्राम, तो ये पूरी वैल्यू आ रही है ml। अगर मैं इसे लीटर में करूं तो 500 अपॉन 0.936 इंटू में 1000, किसमें लीटर में, लीटर में करने के लिए हमने क्या करिए 1000 से डिवाइड, और ये 1000 इसके पॉइंट से हट जाएगा, पॉइंट हटाया 30, तो जो कि सिंपली आ रहा है वॉल्यूम 500 अपॉन 936 लीटर। यह है वॉल्यूम हमारा कितना 500 अपॉन 936 लीटर। अब इस वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करेंगे, वॉल्यूम ये रहा, गिवन मास ये रहा, मोलर मास ये रहा, तो मोलैरिटी जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम के, वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम या वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं सारी वैल्यू। तो जो मोलैरिटी है हमें कैलकुलेट करना था, तो देखो मोलैरिटी गिवन मास कितना है, गिवन मास 50 और मोलर मास 58.5, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आया ये रहा लीटर वाला 500 अपॉन 936। इसको सिंपली लिखे 50 अपॉन 58.5, 936 ऊपर गया अपॉन कितना आया 500, ठीक है। तो इस पूरे से तो ये 10 पे गया, इस 10 से ये पॉइंट चला गया, ये बचा है 936 अपॉन 585,
वन से कौन सा स्टार्ट हो, वैसे तो सारे हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं 936, तो यहीं पे कर लेते हैं रफली 936 585, वन जा 585, वन 13 गया 5, 8 में से गया 3, 0.0 5756, तो 6 पे जाएगा, दिख रहा है 585 तो 1.6, तो ऑप्शन 1.6 है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलारिटी हो कितना आ रहा है 1.6 m, तो आगे दिख रहा है 35, 7 पे तो जाएगा नहीं, ये 6 पे कम्प्लीटली चला जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा कम्प्लीटली, तो आंसर आ रहा है 1.6 m, तो मोलारिटी यहाँ पे कितना आ रहा है 1.6 m। तो याद रखना इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं कि आप वॉल्यूम को अलग से सेपरेट, उसे सॉल्व मत करना, इस टाइप के क्वेश्चन होता है क्योंकि आगे कैंसिल आउट हो जाते हैं, अगर हम पॉइंट में करते हैं तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसे नोट करो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी इन ग्राम ml लीटर में निकालनी है ऑफ 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% ऑफ H2SO4, मोलर मास इतना है, बाय मास विल बी। तो देखो हमें जो मोलरिटी है वो देखा 3.6 m, कितना 3.6 m, आगे बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, 29% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है कि 29% ऑफ H2SO4 कराया हुआ है, ये सब इट मींस 29 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपको जितनी परसेंटेज दे रखी है वो 100 में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट मतलब मास जो है H2SO4 का वो दे रखा है, गिवन मास बोल लो या मास बोल लो 29 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का 98 होता है जो कि गिवन भी है 98 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा था सॉल्यूशन का मास भी है, ये यूज होएगा अभी। तो क्वेश्चन बोला डेंसिटी बताओ, क्या था ना डेंसिटी, क्या कैलकुलेट करना है हमें डेंसिटी, किसमें ग्राम पर ml। तो देखो यहाँ पे करते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं, जो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। सॉल्यूशन की बात हो रही है, हाँ सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर देखना जो मोलारिटी होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में डेंसिटी सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज और देख लेना काफी इंपॉर्टेंट, जो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 3.6 m का मतलब होता है 3.6 मोल प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसमें यहाँ पे लीटर में, तो अगर मैं सॉल्यूशन को ml में करूंगा तो कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि देखो आगे डेंसिटी ml में बोला है, कितना हो जाएगा वो 1000, तो देखो वॉल्यूम तो ऊपर चला गया 1000 अभी यहाँ पर बचा हुआ है कि हमें किसमें निकालना है ml में, अगर हम इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो 1 लीटर है इसका मतलब, तो वॉल्यूम गया ऊपर तो डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी इनटू 1000,
तो देख लो ये सॉल्यूट का था जो कि H2SO4 है, वो सॉल्यूशन का है। अब यहाँ पर हमें निकालना है ये डेंसिटी निकालनी है, और 1000 अभी चल ही रहा है इसके साथ। क्या निकालनी है हमें? डेंसिटी। तो पहले देख लो, कैपिटल M बराबर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 29 है, मोलर मास 98, मास ऑफ सॉल्यूशन इस स्टेटमेंट में ये रहा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है इनटू में 1000। हम अभी दे रखा है, पुट करेंगे अभी वैल्यू। अब देखो डेंसिटी ऊपर गया 29 अपॉन 98 डेंसिटी इनटू में 1000 अपॉन मल्टीप्लाई, ठीक है, डेंसिटी वाला ऊपर गया, नीचे क्या है 100। तो अब पुट कर, अब कैलकुलेट करते हैं, पहले थोड़ा बहुत कट करते हैं। देखो दो जीरो से तो दो जीरो गए, हमें निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर हो गया है एम इंटू में 98 अपॉन में 29 इंटू में 10। एम हमें दे रखा है, अब एम भी पुट कर लेते हैं 3.6 इंटू में 98। एक मिनट, ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे 29 10 अपॉन में 29 इंटू में 10, पॉइंट आया था 1 और 0, पॉइंट आया 1 और 0। अभी किसी से कट रहे हैं टू नहीं तो सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है डेंसिटी। तो 98 को तब 36 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 54 sorry 6 8 44 58 3 8 24 2 3 9 27 29 8 2 1 5 1 3 5 8 2 3 5 2 8 8 2 8 upon 29 into 100। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम और आगे। तो 29 वन, वैसे तो आंसर तो सारे वन से सॉल्व करना पड़ेगा इसे भी, तो डिवाइड करके देखेंगे 3 5 2 8 को अगर हम डिवाइड करें 29 1 जा 29 6 2, तो 29 2 जा, तो 1 2 से कौन सा आंसर स्टार्ट है? डेंसिटी आ रही है 1.22, क्योंकि नीचे 100 भी हो अपना आप 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी 1.22 ग्राम ml इनवर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, कि जो वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी पर लीटर होता है, डेंसिटी बोला था ग्राम में, तो लीटर का हमने यहीं पे ही ml में कन्वर्ट कर लिया, तो ग्राम पर ml में निकालना था, ठीक है। ये गलती कर देते कुछ बच्चे, ये 1000 वाली वो जो अलग से हाईलाइट करा हुआ है, तो इसको नोट करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl। तो बोला कितने मोल्स और कितनी ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंटेड 250 ml ऑफ 0.5 m NaCl सॉल्यूशन में। कितना वॉल्यूम है? 250 ml, लीटर में होगा 0.25 एंड मोलैरिटी इज 0.5, यस और नो? 0.5 m। तो बोला हाउ मैनी ग्राम्स एंड हाउ मैनी मोल्स। तो देखो हमें पता है जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा एम इंटू में वॉल्यूम, एम कितना है 0.5 और वॉल्यूम है 0.25, तो ये आ जाएगा 0.125 मोल। तो मोल तो आ गया 0.125, मतलब ए और सी में से एक करेक्ट आंसर है, बट अभी हमें बोला हाउ मेनी ग्राम्स। देखो मोल्स आ चुका है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू में मोलर मास, एन इंटू में मोलर मास, एन कितना है 0.125
मोलर मास जो कि NaCl का होता है 58.5, कितना होता है 58.5। पॉइंट एट आया, 1, 2, 3, 4। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 5, 8, 5, 125, 2, 5, 45, 25, 29, 2, 5, 10, 1, 2, 8, 17, 1, 2, 5, 10, 11, 5, 8, 5, 3, 7 आ चुका है। तो 7 से जो आंसर है स्टार्ट है इन दोनों में, ऑप्शन नंबर ए, देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 0.125 मोल आ रहे और मास आ रहा है 7.32, तो ये हो गया क्वेश्चन, इजी था ये भी। अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन में 250 ml ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन कंटेन 2.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है, फुल स्टॉप। 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू द x ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन 0.001 m ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ x इज, कहने का मतलब क्या है, हमें बोला है वॉल्यूम जो है 250 ml Na2CO3 है जिसका मास है 2.65 ग्राम और जो मोलर मास होता है Na2CO3 का होता है 106 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, बोला 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू x ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन, कितनी मोलरिटी आ रही है 0.001। वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स निकालना है, ये एम टू वी टू हो गया, ये वी वन हो गया, एम वन अगर हम ये निकाल लें तो ये वो एक्स हम निकाल सकते हैं और एम वन हम यहां से निकाल देंगे क्योंकि सॉल्ट हमारा एन ए टू सी ओ थ्री सेम है तो हमें क्या निकालना है, एम वन निकल जाए तो एम वन वी वन से हम वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहां से मोलरिटी, तो देखो ये 250 ml है तो लीटर में होगा 0.25 लीटर, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 2.65 और मोलर मास 106 अपॉन वॉल्यूम कितना है 0.25, जो कि कितना आ रहा सॉल्व करके, चलो यहां पे सॉल्व करते हैं, 2.65 अपॉन 106 ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 0.25, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट। अब इसको 5 से टेबल से काटे, 5 5 25 5 5 25 1 5 3 15 53 अपॉन 106, तो 53 से 106 कट गया तो 1/2, तो ये आ रहा है 1/2 इनटू में, सॉरी एक मिनट से दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 बचा है और इनटू में ये 5 है, तो सिंपल सा आ रहा है 1/10 जो कि आ रहा है 0.1 m। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करके मोलारिटी आ रही है 0.1 m, 0.1 m। अभी यहाँ पे थोड़ा सही से फोकस करना, बोला 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इज एडेड टू x ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ml में x ml ऐड करा जाता है x, तो बताओ x की वैल्यू बताओ क्या होगा, 10 में क्या ऐड करा है x, तो ये होगा हमारा x प्लस 10 या फिर बोल सकते हो 10 प्लस x। ये वही डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, जैसे कि 500 में 2 ml ऐड करा तो जो नई कंसंट्रेशन है वो बताओ, तो नया वॉल्यूम कितना होगा 700, सेम एज इट इज 10 ml में x को ऐड करा है तो ये हो जाएगा 10 plus x v2 की वैल्यू। ये डाइल्यूशन वाला है, एक कंटेनर था इसका वॉल्यूम है 10 ml, इसमें x ऐड करा गया तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 plus x। इसकी मोलरिटी 0.1 हमने फाइंड आउट कर लिया किया, इसकी हमें पता ही है कितनी है 0.001 m, तो वो x निकालना है हमें
ठीक है, क्या निकालना है x। तो हमें पता है फॉर्मूला m1 v1 is equal to m2 v2। तो m1 कितना है 0.1, v1 10, m2 0.001 और v2 10 plus x। तो देखो 0.001 इधर गया, तो 10 plus x is equal to, ये वैल्यू पूरी डिवाइड में 0.1 इंटू में 10 अपॉन में 0.001, पॉइंट हट आया 10, 10 से 10 कट, इसके 10 पॉइंट हटे, इसका पॉइंट हटा तो ऊपर आ गया 1000 इंटू में, ठीक है सब कट गया, सिर्फ ऊपर क्या बचा है 1000। तो 10 प्लस x इज इक्वल टू 1000 एंड x इज इक्वल टू 1000 माइनस 10, दिस वन इज 990 ml। तो x का अमाउंट कितना है 990, तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। तो याद रखना ये वही डाइल्यूशन वाला है कि 10 ml में हमने x ऐड करा तो हो जाएगा 10 प्लस x, तो ये x फाइंड आउट करना था। तो पहले से हमने यहाँ से पहले स्टेप से मोलरिटी निकाल ली, फिर m1 v1 वाला फॉर्मूले से x फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो थे हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये चैप्टर वैसे हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और न्यूमेरिकल्स। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो ये आप इतने नोट करिए।